You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta first, shut the fuck up. सो गाइस कैसे हैं सभी, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, तभी तो आपको यूट्यूब चलाने का टाइम मिल गया है। सो आज की इस वीडियो में आज अंतरुण क्या करवाने वाले हैं बता भाई। i20 जो पीछे आप देख रहे हैं, इसके अलॉयज देख रहे हैं i20 की, तो आज इसका एक प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं, किसके उनसे मिलवाते हैं एंड देखते हैं क्या क्या है। वैसे गाड़ी तो बहुत देखने में अच्छी है, तो कैसी लगी सही बताइए। जानवर लग रही है, पलट पलट के देख, पलट पलट के हर कोई देख रहा है, तो आज इसका व्लॉग बनाते हैं एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई जाके। सो गाइस ये रही अपनी i20 और इसके रिस्पेक्टिव ओनर हमारे जोगिंदर भाई। जोगिंदर भाई कैसे हो? बढ़िया हो। अच्छा सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताओ। तो जो गाड़ी का आपको सबसे पहले जब देखते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया एलॉयज लगते हैं, तो एलॉय के बारे में कुछ बताओ, कहाँ से लगवाए? जापानीज टायर है, अलॉय व्हील है। अच्छा जापानीज टायर, वैसे रेसिंग गाड़ियों में देखे ऐसे होते हैं जापान में। सो गाइस ये जो एलॉयज हैं ये वैसे जैपनीज टायर JDM गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे पहले, मतलब वो भी रेसिंग टाइप में होते हैं। एंड ये कितने इंच के जोगिंदर भैया? 16 इंच के हैं। अच्छा ये जो टायर है, इसका टायर का प्रोफाइल साइज क्या है? इसका जो साइज है ये कम से कम 9 के करीब है, 9 और वैसे 16 इंची है। अच्छा 16 इंची है अलॉयज के साथ है। और जैसे कि आप देखेंगे इसमें पीछे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी लुक देते हैं इसको, मतलब आपको लोग पलट पलट के देखते हैं और पूछते भी हैं काफ़ी। अच्छा रिसेंटली आप कहीं गए हो और किसी ने पूछा उसके बारे में? लखनऊ रोड पर गया हूँ, कम से कम 4-5 गाड़ियों ने रोक के मेरे को, 4-5 गाड़ियों ने, तो मतलब हर कोई देखता ही है, रोक के देखता ही है इसको। एंड पीछे आप देखेंगे इधर भी, एंड पीछे से कुछ उसकी ऐसी लुक है। एंड पीछे आप एक चीज़ नोटिस और करेंगे, स्पॉइलर से, ये स्पॉइलर रेसिंग वाला स्पॉइलर है? ये अपने शौक के लिए लगवाया है, वैसे तो ज़्यादातर रेसिंग गाड़ी में लगवाते हैं। हाँ रेसिंग गाड़ी में लगवाते, मतलब काफ़ी अच्छी लुक भी देता है i20 को। अगर i20 को हम पूरी एक मॉडिफिकेशन करें एक तरीके से रेसिंग टाइप में, तो ये पूरी बन जाएगी, वैसे ही बनी चुकी है। और देखेंगे काफ़ी काम है, अभी काफ़ी काम है इसमें, वो आने वाली वीडियो में पता लगेगा आपको। एंड जैसे कि आप देखेंगे इधर भी सामने से फ्रंट से कुछ लुक इसकी ऐसी आती है। एंड इसके अंदर इन्होंने एक क्रोम ग्रिल लगवा रखी है, जो इसमें आती नहीं है, अलग से लगवा रखी है इन्होंने। एंड साइड लुक कुछ ऐसा है इसका यहाँ से बिल्कुल। तो जोगिंदर भाई जो भी आपने अभी तक इसमें मनी स्पेंड किए, इसके अलॉयज़ में, इसके स्पॉइलर में, बाकी जो भी आपने इस पर मॉडिफिकेशन करा रखी है, ये वैसे आपने मॉडिफिकेशन कितने लग गए थे आपके इसमें अभी तक? देखो करीब करीब ये जो मैंने लगवाए हैं ये 60 के करीब है, ये टायर के साथ। हाँ टायर के साथ। और ये पुलओवर कम से कम 6000 रुपये का ये वाला ये। अच्छा ये, अच्छा ये ABS में किसमें? मेटल में, ये मेटल में, एलुमिनियम बोलते क्या बोलते हैं इसको? मेटल में। अच्छा मेटल में है। अभी बहुत कुछ लगवाना है इसकी, जैसे सेम है अपने टायर के कलर है ना, ये पूरी रैप होगी। अच्छा रैप करवाओगे, पूरी मॉडिफिकेशन करा दोगे एक तरीके से इसको, एकदम रेसिंग कार ही बना दोगे। बिल्कुल आने वाली वीडियो में पता चलेगा, आने वाली वीडियो में सब पता लग जाएगा क्या होने वाला है इसके साथ आगे चल के, बहुत कुछ। तो अभी भी वैसे बहुत अच्छी लग रही है इन एलॉयज के साथ, ये जो एलॉयज हैं ये अलग ही देखते हैं किसी भी गाड़ी को। बहुत हमारा मौसम बारिश की वजह से कुछ गंदी भी लग रही होगी। हाँ थोड़ी तो गंदी हो ही गई है, बारिश हो रही है तो बहुत है। तो गाइस जैसे कि आप जितनी तारीफ करो इस गाड़ी की कम है, क्योंकि जब ये रोड पर चलती है तब इसको लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। तरुण भाई मुड़ मुड़ के देखते नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं ना। तो गाइस फिलहाल पेट्रोल पे, यार पेट्रोल पे तो काफ़ी माइलेज दे देती है, ओ काफ़ी माइलेज घटा देती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा वैसे माइलेज देती कितनी है? कम से कम 10। और वैसे बिना अलॉयज के कंपनी जो क्लेम करती है, मेरे ख्याल से 14 के करीब, 14 करें 4-5 की माइलेज मार देती है एक तरीके से। तो क्या जैसे कि आप शौक कर रहे हो तो पैसे क्या ही देखोगे? पहली बात तो यही है ना, शौक करो या पैसे देख लो। तो एकदम बहुत अच्छी लुक लग रही है। एंड फिलहाल एक साइड से आप देखेंगे इसमें क्रोम हैंडल बार्स लगा रखे हैं, ये अलॉयज हैं आगे पीछे, और एक तरीके से पूरी रेसिंग कार है ये। आपने इसका अभी एग्जॉस्ट ना सुना, तो इसमें आने वाले टाइम में कि और भी इसमें मॉडिफिकेशंस होंगी। अच्छा फिलहाल आपने अभी बताया आपके 60 के करीब इसमें अलॉयज में लग गए, 6000 इसमें लग गए, तो ये मतलब फिलहाल आपके लिए वर्थ है इतना कि आपने इतना स्पेंड किया? अच्छा नहीं, ये बस अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अपने मन के लिए।
never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. हो गए नहीं कि इतने बड़े अलॉयज लगा रखे हैं पावर स्टेयरिंग में ये एक उंगली से बहुत अच्छा. आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब जब से आपने अलॉयज लगवाए हैं? मेरे को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. देखो एवरेज तो बहुत फर्क पड़ता है लोगों को, ये तो है. इसकी स्टेयरिंग में उसमें किसी में कोई फर्क नहीं, उंगली से कटता है. हाँ, एक उंगली से आराम से, बहुत आराम से होता है. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा वैसे एक बात बताओ, जब आप इसको फुल टैंक करा लो पेट्रोल पे, इसको पूरा पेट्रोल पे चलाओ, 300 बस. अब वैसे चलती कितनी है ये? जो मैं वैसा टायर रखता तो इसका कम से कम 500 प्लस चली जाता. 500 प्लस 200 माइलेज है. वही बात है, शौक करो तो फिर अब जेब मत देखो. है 300 मैंने चलाया हुआ है, पूरा टैंक चलाया हुआ है. हर बार टैंक फुल कराता हूँ, अब भी हाफ होगा. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ये बहुत बढ़िया लगी. इसके इंटीरियर में आने वाले टाइम में बहुत जल्द बहुत काम होने वाला है. इंटीरियर में सीट वगैरह सब कुछ, जो भी इंटीरियर पूरा अंदर से भी छत वत सब कुछ, ये अलॉयज भी शायद चेंज कराएं, ये बम्पर वम्पर सब चेंज होंगे इसके. इसका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. सो इसका होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमें आने वाले वीडियोस में पता लगेगा.